ब्यास छतरपुर में तैयार हो रहे हैं। तो टोटल 1200 आईसीयू बेड्स मुझे लगता है एक दो दिन और लगेंगे, जो इनका दूसरा ब्लॉक है वो पूरा होने में 1200 आईसीयू बेड्स अपने तैयार हो जाएंगे। और इस वक्त दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हो रहा है, तो बेड्स तो अब काफ़ी खाली हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर, लेकिन आईसीयू बेड्स उतने खाली नहीं हो रहे। इसका मतलब लोग थोड़े जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो अभी सिस्टम में थोड़े सीरियस पेशेंट्स ज़्यादा हैं, आईसीयू बेड्स की कमी है। लेकिन ये 1200 आईसीयू बेड्स आने के बाद अब मैं समझता हूँ कि शायद आईसीयू बेड्स की कमी दूर हो जाएगी। सर, बीजेपी प्रवक्ता है संबित पात्रा, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कभी एक लगा रहे हैं, दिल्ली में कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, स्टोरेज की कमी थी। मेरा ये रिक्वेस्ट है सबसे कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। हमें लोग एक तरफ मर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पीड़ा में हैं, दुखी हैं लोग, तो हमें इस टाइम राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, केंद्र सरकार ने मिलके हमारी मदद की, हम उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। और अब अपने को सबको मिलके कोशिश करनी है कि वैक्सीन किस तरह से जल्दी ऑर्गेनाइज करें, लाएं, ताकि लोगों को वैक्सीन लग सके। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को, जिनका कहना है कि अब बेड की जो समस्या बनी हुई थी दिल्ली में अब वो नहीं है। 1200 बेड बढ़ा दिए गए हैं, अब लोगों को बेड आसानी से मिल जाएगा।